नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां जेसीसीजे विधायक प्रमोद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। जेसीसीजे की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं। जेसीसीजे अध्यक्ष रेणु जोगी को उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। तो बलौदाबाजार से विधायक है प्रमोद शर्मा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रमोद के इस्तीफे से अब सियासी गणित भी बदलता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और जेसीसीजे से इस्तीफा दे सकते हैं, और उसके बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही, उन्होंने जेसीसीजे से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा का अंतिम दिन था, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे का मैं प्राथमिक सदस्य था। उस सदस्यता से मैं इस पार्टी से अब चूंकि अलग हो चुका हूं, अपना इस्तीफा पत्र मैं माननीय रेणु जोगी को भेज दिया हूं और मैं पूरी तरीके से अब स्वतंत्र हो गया हूं। तो बलौदाबाजार से विधायक प्रमोद शर्मा अब अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने जेसीसीजे से इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है जेसीसीजे अध्यक्ष को, और लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि वो इस्तीफा दे सकते हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो पार्टी छोड़ने का मन वो काफी लंबे समय से बना रहे थे, और अब ये खबर भी सामने आ चुकी है, प्रमोद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। जेसीसीजे विधायक है प्रमोद शर्मा, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष रेणु जोगी को उन्होंने इस्तीफा दिया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कुलेश्वर संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। कुलेश्वर, जिस तरीके से ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि वो इस्तीफा दे सकते हैं प्रमोद शर्मा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, और क्या ये संभावना है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जेसीसीजे से बलौदाबाजार से विधायक चुनकर आए थे प्रमोद शर्मा, लेकिन जिस तरह से जेसीसीजे में बिखराव हुआ, धर्मजीत सिंह अलग चले गए और प्रमोद शर्मा ने भी पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे इस्तीफा दे दिया। उसने रेणु जोगी जो है, जो जेसीसीजे की अध्यक्ष है, उनको अपना इस्तीफा भेज दिया गया है। हालांकि प्रमोद शर्मा से जब हमने बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना था आगे मैं क्या करूंगा, किस पार्टी में जाऊंगा, मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर निर्णय लूंगा। लेकिन ये तो साफ है कि उनका जो झुकाव है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखता है। तो हो सकता है आने वाले समय में बीजेपी का दामन वो थाम ले, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, कांग्रेस का भी दामन उठा सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि जो सत्ताधारी दल हो उससे हम जुड़े तो हमारा फायदा होगा। तो ऐसे में कांग्रेस बीजेपी दोनों का द्वार उनके लिए खुला है, किसी एक पार्टी का दामन निश्चित तौर पर वो जल्द थामे। लेकिन फिलहाल जेसीसीजे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना इस्तीफा जो है उन्होंने रेणु जोगी, जो जेसीसीजे की प्रमुख है, उनको भेज दिया गया है। अब स्वतंत्र विधायक के रूप में प्रमोद शर्मा कहलाएंगे। बिल्कुल, और अगर सियासी गणित की बात करें तो किस तरीके से आगे नजर आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बिखरती हुई नजर आ रही है, विधायक प्रमोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं। तो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है, और ये बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं। प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद सियासी गणित, देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। प्रमोद शर्मा काफी समय से बीजेपी में जाना चाहते थे, विधानसभा भंग होने के बाद जानबूझकर इस्तीफा उन्होंने दिया है, अब खतरे में उनकी विधायकी नहीं रहेगी।